कोरोना संक्रमण का कहर शहर में फिर से बढ़ने लगा है। प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कोविड 19 के नियमों को सख्ती से लागू करने में जुट गया है। आए दिन कोविड के नियमों को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शहर के सुयोग नगर स्थित महात्मा फुले गार्डन को मनपा द्वारा बंद किया गया। कहीं ना कहीं कोरोना का कहर जो है जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कम होता नजर आ रहा था, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े एक चिंता का विषय बने हुए हैं। जहाँ पर सारे एक्टिविटीज अपने सही तरीके से चल रही थी, अचानक से उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जहाँ पर हम लोग प्रशासन को दोष देने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं नागरिकों की भी हमारी भी इसमें गलतियाँ नजर आ रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर के सुयोग नगर गार्डन में, जहाँ पर आज सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा ये घोषित किया गया कि आज से कुछ दिनों तक जो है गार्डन बंद रहेंगे। सुबह का समय है, यहाँ पर सारी जनता जो है जो रोज़मर्रा यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करती थी, अपना समय गुजारती थी, ट्रैकिंग करती थी, रास्ते यहाँ पर चलती थी, आज इन सबको अचानक यहाँ आने के बाद में जहाँ पर दृश्य मिला कि गार्डन बंद है। हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की यहाँ के उद्यान के जो इंचार्ज हैं उनके साथ में, मोहन मैडम से जो हमने बात की तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उद्यान अधीक्षक की तरफ से कि यहाँ पर आजू बाजू के एरिया में कोरोना के आंकड़े जो है काफ़ी तादाद में बढ़े हुए हैं, और इस बढ़े हुए आंकड़ों के साथ में जिनके घर में कोरोना के पेशेंट हैं वो भी इस गार्डन में जो है आते हैं। इसकी वजह से बाकी यहाँ पे आने वाले लोगों को एक खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिसके मद्देनज़र गार्डन को आने वाले कुछ समय के लिए बंद रखा गया है। हालांकि अभी भी महानगर पालिका की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये हमने यहाँ के गार्ड से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें टेलीफोन पर ये मैसेज दिए गए हैं, फ़ोन किया गया है कि आने वाले कुछ इंस्ट्रक्शन तक जो है यहाँ का गार्ड बंद रहे। आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रोज़ आने वाले लोग जो है जब इन्हें पता चला कि गार्डन यही बंद है, इन्होंने अपनी रोज़ की एक्सरसाइज को बंद नहीं किया है और यहीं पर गार्डन के बाहर ही अपनी एक्सरसाइज को शुरू किया है। आने वाले समय में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े किस कदर लेके जाएंगे, क्या आगे होगा और कहां तक हम इस कोरोना से बचने के लिए हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे। ये समय है, हम भी आह्वान करते हैं कि अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, मास्क और जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। कैमरा पर्सन माइकल रिपोर्ट इनबीसी।